कंकोट थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में चोरी का डीजल और मिलावटी तेल बनाने के रसायन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मिलावटी तेल के खेल के चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मथुरा रिफाइनरी से मुजफ्फरनगर पेट्रोल पंप पर जा रहे भारत पेट्रोलियम के टैंकर से थाना कंकोट क्षेत्र में डीजल चोरी भी रंगे हाथों पकड़ी है। शहर आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने डीजल के नमूने भरकर जांच को भेज दिए हैं। यूपी के योगी राज में बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन जारी है। बुलंदशहर में डिबाई और कोतवाली देहात पुलिस की बदमाशों से अलग अलग मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार रुपए के तीन बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर साहब, पुलिस द्वारा एक बदमाश को अभी अस्पताल में लेके आया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? वो घायल अवस्था में लाया गया, उसमें फायरआर्म इंजरी लग रही है लेफ्ट नी जॉइंट में, उसे भर्ती करा दिया गया। अब कैसी हालत है बदमाश की? अभी तो ठीक है। क्या कुछ हुआ था? चोटी दिख रहा है, फायरआर्म इंजरी दिख रहा है, और तो कोई इंजरी नहीं है उसके। एंट्री एग्जिट वुंड है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और तो सर्जन को दिखा दिया गया है। अब आगे इलाज होगा, अस्पताल में भर्ती है। कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुर। अच्छा, क्या यहाँ क्या करने आए थे? सदाई सबीला का निकल के जा रहे थे कहीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? पुलिस चेकिंग चेक। तो पुलिस चेकिंग में तुमने पुलिस पर फायरिंग कर दी? हाँ, भग गए। कितनी फायरिंग करी? एक। सराज, बुलंदशहर पुलिस की दो स्थानों पर मुठभेड़ हुई है बदमाशों से, क्या पूरा मामला है? किस गैंग के सर बदमाश थे? आज सुबह डिबाई थाना क्षेत्र में इनामी अपराधियों की चेकिंग और तलाश जारी थी, उसी समय एक मोटरसाइकिल पे कुछ बदमाश जाते हुए दिखे। उनको जब पुलिस ने रोका तो पुलिस पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में दो बदमाशों को वहां पर गोली लगी। बाद में उनकी पहचान इनामी अपराधियों के रूप में हुई, जिन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। उनमें से एक बदमाश इधर कोतवाली देहात की तरफ आया, पुलिस पीछा करती हुई मंडी क्षेत्र में पुनः एक मुठभेड़ हुई है, और उस मुठभेड़ में भी एक बदमाश को गोली लगी है। जहां एक ओर राज्य सरकार पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रामपुर के पीपली वन में स्थित प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर में श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करने व मेला करने से रोका जा रहा है। इस मंदिर में पिछले कई वर्षों से पूजा पाठ होती चली आ रही है। यहाँ पर हर शनिवार को मेला भी लगता है व भंडारा भी किया जाता है, और साल में दोनों नवरात्रों पर यहाँ मेले लगते हैं, जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। पिछले कुछ समय से वन विभाग के DFO मेले का आयोजन बंद कराना चाहते हैं। लगातार कई दिनों से मंदिर का पुजारी ओम भारती पर वन में मेला न लगाने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? गौर सिंह। गौर सिंह जी, आप माता के मंदिर आए हैं? हाँ। ये मंदिर कहाँ पर है और कब से आ रहे हैं आप? हमें कम से कम 10 साल हो गए साहब। जो मांगते हैं मन्नत पूरी होती है हमारी, नहीं सभी भक्त की होती है। जो माता रानी के दर्शन करने आता है उसकी मनोकामना पूरी करती है हमारी माता। कहाँ से आते हैं? किला रामपुर से, तहसील स्वार से, ग्राम सोनकपुर से। आपका क्या नाम है? कब से आती हैं आप मंदिर? 10 साल हो गए हैं। तो क्या मनोकामनाएं माता जी आपकी पूरी करती हैं? जो भी मांगती हैं तो वो पूरी करती हैं। तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? कई हजार आते हैं, मतलब तो बेदिन से आते हैं। आप देखा है मेरा आपने, इतने ही आते हैं। अच्छा अच्छा, कब से है ये? कितना पुराना मंदिर होगा आप बता सकते हैं? 3-4 तो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। चार। क्या नाम है आपका? कितनी पब्लिक आती है यहाँ पर माता के मंदिर में? अपार पब्लिक आती है। अपार पब्लिक आती है। आप कब से आते हैं? मुझे यहाँ 9-10 साल हो चुके हैं। 9-10 साल हो चुके हैं। क्या जो मनोकामना मांगी जाती है पूरी होती है? जी। कितना पुराना मंदिर होगा ये? ये लगभग 400 साल से ऊपर होगा। कौन सी जगह पर बना हुआ है ये मंदिर? पीपली वन नाम से उत्तराखंड में है ये। यूपी जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, आप यहाँ मंदिर आते हो, कब से आते हो? हम तो बचपन से आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए होंगे यहाँ? करीब हमें 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो आप श्रद्धा रखते हैं या माता जी के मंदिर से कुछ मनोकामनाएं पूरी होती है? मनोकामना पूरी होती है। होती हैं? होती है। ये मंदिर है कहाँ पर? ये मंदिर पीपली वन में है। पीपली वन रामपुर जिले में लगता है ये? जिले में स्वास्थ्य लगता है, दस खाना मेला खाना। और हमारी एक मांग इसमें ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ
प्रशासन को ये करना चाहिए कि हमारे यहाँ पक्की सड़क इसमें बनानी चाहिए, मंदिर के रास्ता जो है ये पक्का सड़क ये होना चाहिए, इसे लैंड की सुविधा भी होनी चाहिए। बहुत परेशान पड़ता है, बहुत ही दिक्कत होती है। डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए, हमारा प्राचीन यहाँ पे माता का मंदिर है पिपली वन में, उसमें कई वर्षों से विगत 100-150 वर्षों से वहाँ पर मेला लग रहा है। प्राचीन मंदिर है हमारे, प्राचीन 7 गुरु मूर्तियों के वहाँ पर समाधि है। हर वर्ष नवरात्रि का मेला वहाँ पर भव्य पैमाने पर मनाया जाता है, किंतु इस बार वन विभाग द्वारा कुछ मौखिक आपत्ति हमारे जो स्थान महंत है और सेवादार है उनको द्वारा की जा रही थी, इसलिए हमने आज डीएम साहब से मिलकर इस बारे में अपनी चिंता से उनको अवगत कराया ज्ञापन के रूप में, और उन्होंने हमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अच्छा, और क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने आप लोगों को? उन्होंने बोला हम जो भी हो सकेगा हर संभव आपका साथ देंगे और न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री महंत मोहन भारती है, मैं वर्तमान में जूना अखाड़े का सचिव हूँ। भारतीय समाज पार्टी से रामकोला विधानसभा के विधायक रामनंद बोध को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 4 के न्यायाधीश ने विभिन्न धाराओं में सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। बीते माह 17 तारीख को संतोष पांडे के घर अपने समर्थकों के साथ आगजनी व जमकर उत्पात मचाया गया था। इसी मामले से संबंधित आरोली थाने में इन पर मुकदमा दर्ज था। रामपुर बढ़न लक्ष्मीपुर में भोर में आज लगभग 4 बजे से काफी दबाव बना है, नदी की धारा बंधे की तरफ मुड़ जाने से और पैर ट्रॉलिंग होने से बंधे में तेजी से कटान हुआ है और पुराने बंधा को लगभग काट दिया था, लेकिन इस बीच चौकसी से कार्य हुआ है और सिंचाई विभाग के साथ समस्त प्राथमिक अमला अधिकारी कर्मचारी सभी लगे, गांव ग्रामवासियों का भी सहयोग लिया गया, सबके सहयोग से उसी जो कटान हो रहा था उसके पैरेलल एक दूसरा बंधा बनाने का कार्य किया गया, जिससे सामान लाया जा सके, बोल्डर लाया जा सके और पुराने बंधे को भी पुनः स्थापित किया जा सके। ये कार्य काफ़ी तेजी से हुआ है और इसके कारण अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी काफ़ी कार्य करने की यहाँ पर आवश्यकता है और जिसके ये कार्य हो रहा है, साथ ही गांव में अलर्ट जारी किया गया है ताकि अचानक बन्ना कटने से कोई जनहानि ना हो, ये सभी दिशा में कार्य तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ देख रहे हैं तो ये सूचना दे दी गई थी जो कि अब पहुंचने वाला है बनिया से चल करके यहाँ पर एनडीआरएफ भी रशिया तक पहुँच चुका है और यहाँ SDRF पहले से 1 घंटे में पहुँच जाएगा। SDRF भी पहले से यहाँ पर कैंप कर रहा था, जनपद के सारे अधिकारी पहले से मौजूद हैं, सुबह मौजूद हैं और बाढ़ चौकियाँ बाढ़ सरनारे कंट्रोल रूम सभी सक्रिय कर दिया गया है, पूरी तैयारी है। बिहार सरकार ने भी मदद की घोषणा की है। नादोती तहसील के ग्राम पंचायत कुंजेला के गांव मिल्क सराय में भरतलाल मीणा के घर से सरकारी स्कूल तक मुख्य रास्ते में जमा बरसाती पानी लोगों को तकलीफ में डाल रहा है, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। नाम आपका? भरतलाल मीणा। अच्छा, तो क्या समस्या आपकी? ये सब पंचायत साहब, मेरा घर से और स्कूल तक बिल्कुल 2-2 फीट पानी भरा रहता है और बच्चे स्कूल में पढ़ जाते बहुत परेशानी आती है, महिला घास लाती है तो परेशानी में निकलती है, पानी में होके पानी लाती है पीने को कुआं पे से तो परेशानी आती है और बाहर के अनजान जो लोग आते हैं ना तो मोटर से साइकिल से महिला गिर जाती है और आदमी भी गिर जाती है। तो इस समस्या को आपने कहीं सरपंच को विधायक वगैरह कहीं बताया नहीं? सरपंच को बता दिया, कुंजेला पंचायत है हमारी तो सरपंच साहब को बता दिया, विधायक किना भी खेण कर दी, PWD वाला उनको भी मतलब ये रास्ते खुलवाने की कोई ने सुनी भी नहीं साहब। अगर ये समस्या समाधान नहीं तो क्या करोगे यार? अब क्या करें, मरे यार साहब, बच्चे स्कूल नहीं जाते पूरी बरसात, बच्चे हमारे यहाँ से बिल्कुल स्कूल नहीं गए। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र मीणा है। कहाँ के आप? मिलक सराय। क्या समस्या है? समस्या यह है, यहाँ से जो आपको दिख रहा है बस खड़ रही थी, भटलाल मेरा घर है, यहाँ से जो गांव का मेन चौराहा है, स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, वहाँ तक हर बार बारिश में पानी भर जाता है। तो
तो ग्राम पंचायत से नहीं बताया आपने? काफी बार वहाँ निकल के ही जाते हैं, गंगापुर जाते हैं तो पूरा गांव है हमारा, गांव सरपंच कुंजला का है, वो जाता यहीं से निकल के जाते हैं वो, तो उनको भी देखनी चाहिए समस्या बताने से क्या हाल होगा इसका, उनको तो देखनी चाहिए ना। बताया नहीं गांव वालों ने? बताया नहीं, काफी बार बोल भी दिया, एक बार तो उधर नांदुती भी जाके आए थे। चुनावों में नहीं बताते हो आप नेताओं को? चुनावों में अब देखो, पहले तो क्या था, पहले उधर से ये खेत वाले है ना, इन्होंने दीवार वो मिट्टी की दीवार बना दी, इसकी वजह से पानी भर रहा, पहले पानी नहीं भरता था, रोड के साइड साइड उन्होंने मिट्टी डाल दी है, उसकी वजह से पानी खेतों में नहीं जा पा रहा। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है आपकी। बहुत बड़ी समस्या है, पानी अभी तो कम पड़ गया, जैसे बरसात आती है 2-3 दिन तो पानी बिल्कुल बढ़ जाता है, घुटने घुटने तक आ जाता है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, जो उनको बाहर छोड़ के आना पड़ता है गाड़ी से।